वेलकम फ्रेंड्स, एक नई उम्मीद के साथ आपकी एक और नई क्लास। दिल में मेरे कुछ सपने बस वही हैं अपने, मैं करूंगा उन्हें पूरा ये मुझे विश्वास है। मैं था आसान है, आसान है, आसान है। जी हाँ बिल्कुल, आपको यही एक बात बोलते रहना है, मैं था आसान है और आसान हो जाएगी। आज हम स्पेशली उन कमजोर अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे जिनको मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आता है। देखिए आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, गणित सिखाने की संपूर्ण गारंटी के साथ आपकी ये क्लास होगी। लेकिन हाँ, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें मैंने क्या बताया और आपने क्या समझा। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली भिन्न के रूप बारे में, यानी कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता क्या है, इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीपल डिवीजन कैसे करते हैं, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं और समझते कैसे हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर भिन्न के सवाल में या फिर जो दशमलव वाला होता है इसमें उलझ जाते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। आज सारा प्रॉब्लम का सलूशन होने वाला है, पूरा क्लास देखिएगा। और हाँ, एक बात अपने दिमाग में बसा लेना है कि मैथ ये कोई विशेष प्रकार का भूत नहीं है जो आपको खा जाएगा, बहुत आसान होता है ये, बस समझना है। एक्चुअली पहले बात हम ये करते हैं कि आपको मैथ आती क्यों नहीं है। जैसा कि हम बहुत बड़े वैज्ञानिक या बहुत बड़े जानकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ ये अनुभव हुआ है कि जो हमारा माइंड है, आप जानते हैं, ये पिक्चर के रूप में सोचता है। कभी अनुभव करिए, खुद से कल्पना करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, इमेजिन करिए कि जो माइंड है ये इमेज के रूप में सोचता है। मतलब ऐसे नहीं सोचता कि हाँ वहाँ पे एक शेर बैठा है और वो शेर कैसा है, मतलब आपके दिमाग में आएगा ना कि वो कैसे होगा, उसके बड़ा बड़ा बाल होगा, मुंह पे पंजा होगा। जैसे आपने शेर के बारे में सोचा, आपके दिमाग में आ गया कि हाँ शेर कैसे होता है। जरा सोच के देखिए, आता है ना। आपने सोचा भालू, अब अगर आप रियल में उसको सोच रहे हैं भालू, मतलब आपका ध्यान भी उसी पे है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भालू हाँ भाई होता है, बड़ा बड़ा बाल होता है और उसकी आकृति आपके दिमाग में आएगी, है ना। उसी तरह से मैथ, आपने मैथ सोचा, आपके दिमाग में कुछ आया नहीं, आया ना। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैथ में भिन्न, अब भिन्न क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ आया ही नहीं। अब जब आएगा नहीं दिमाग में तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपने सोचा गाय, गौ माता की सब लोग पूजा भी करते हैं हम लोग, है ना, करते हैं ना। तो आप जानते हैं कि गाय कैसे होती है, लाल काली सफ़ेद और चार पैर मुंह सींग, आ गया ना दिमाग में। वैसे देखिए इसमें हम आज भिन्न के रूप में आपको ऐसा बात बताएंगे कि आपके दिमाग में आए, मतलब चित्र आए दिमाग में। जैसे गाय शेर और ये भालू चीता मैंने बताया, वैसे आप जब सोचेंगे मैथ के बारे में तो मैथ का भी फिगर आपके दिमाग में आएगा। देखिए कैसे, बहुत स्पेशल क्लास आज आपकी होने वाली है सभी लोगों के लिए, मैंने बहुत दिन से ये प्लान बनाया था। देखिए जैसे हमने सोचा भिन्न, अब भिन्न में तो कुछ नहीं आया, लेकिन अगर मैंने कहा एक बटा दो, अब एक बटा दो आपके दिमाग में आना चाहिए। कैसे, जैसे हमने ये बनाया था दो खाना, इसमें देखिए मैं एक जगह दूसरे जगह दिखा देता हूँ। इस क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, जो भी जुड़ गए हैं बहुत भाग्यशाली हैं, बस इतना मान लीजिए। अगर इस क्लास को पूरा देख जाएंगे ना तो उम्मीद नहीं, पूरी गारंटी लेते हैं कि आपको मैथ आने लगेगा, आज से आने लगेगा। मैंने ये बना दिया एक कॉलम, ठीक है। अब मैंने कहा एक बटा दो, कितना कहा एक बटा दो। अब एक बटा दो का मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में नहीं आया ना। एक बटा दो का मतलब ये हुआ कि दो में से एक, मतलब दो में से एक, जैसे मैंने ये लिया ना, एक बटा दो का मतलब देखिए ये एक हो गया, इसको मानिए या फिर इसको छोड़िए, इसको दोनों को फेंकिए, ये दो है ना। ये एक बटा दो का मतलब क्या, एक बटा दो का मतलब इन दोनों में से एक, ठीक। और अभी अलग अलग हो गया ना, इसका मतलब ये भी एक बटा दो हो गया, ये भी एक बटा दो हो गया, समझ गए ना। मतलब इसका समझिएगा, अभी एक बटा दो का मतलब कुछ लोग और भी समझ रहे होंगे, नहीं कंफ्यूज हो रहा है ना। एक बटा दो का मतलब जो भी है उसमें से आधा, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ आप लोगों को गड़बड़ कर दिया, जो एक बटा दो का मतलब ऐसे बता दिया ना, ये तो आधा आधा हो गया, दो में से एक हो रहा है ना। लेकिन देखिए एक बटा दो का इसमें मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कहा जाए इसको कलर करिए, इसमें से एक बटा दो भाग कलर करिए, अब यहाँ आप समझ जाएंगे। इससे एक बटा दो भाग कलर करना है, मतलब आपको एक भाग कलर कर देना है। अब देखिए ये एक बटा दो भाग कलर हो गया, समझ गए ना, इसको आप समझ गए होंगे, एक बटा दो भाग कलर हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एक दूसरे आकृति के माध्यम से, जैसे ये बना है एक बटा तीन भाग की बात करें तो, एक बटा तीन का मतलब ये हुआ कि इन तीन भाग में से एक भाग,
इन तीन में से एक भाग, अगर एक भाग इसमें कलर करने को बोले तो देखिए ये मैंने कलर कर दिया एक भाग, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बटा तीन भाग कलर हो गया। क्यों? क्योंकि तीन में से एक भाग कलर हो गया, यानी एक बटा तीन भाग हो गया। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने ऐसे समझ लिया कि भाई आपके घर में मानते हैं तरबूज आया है, ठीक है, तरबूज आया है और आप चार सदस्य हैं, चार मेंबर हैं, जो भी है आप चार मेंबर हैं, तो आप इसको ऐसा अनुमान लगा लीजिए, ये आपको जानकारी मिली कि उसमें से आपको एक बटा चार भाग लेना है, ठीक, एक बटा चार भाग लेना है, मतलब चार लोग हैं तो एक बटा चार भाग लेंगे ना। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मानते हैं ऐसे हो गया एक, तो एक बटा चार का मतलब आप उसे चार भाग करेंगे, ये चार भाग करेंगे और चार में से एक आप लेंगे, जैसे एक हुआ दो तीन चार, है ना, तो चार में से एक आप लेंगे बाकी तीन बचा रहेगा, समझ रहे ना। तो चलिए मैं एक निकाल देता हूँ इसमें से आपके लिए, अब देखिए कैसे बचेगा ये, समझ गए, इसका मतलब ये चार में से एक निकल गया, अब ये तीन लोग का हिस्सा बचा है। ये भिन्न का सब खेल है जो इसमें आप समझ रहे हैं, भिन्न फ्रैक्शन, और उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ भी रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ, ये तो हो गया एक बटा चार की भाग, अब हम बात करते हैं दो बटा चार। देखिए दो बटा चार मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चार भाग में से दो भाग, चार में से दो भाग, मतलब इसमें अगर हम समझ लें कि हमें भाई दो बटा चार भाग कलर करना है, इसका मतलब हमें चार में से क्या करना है, दो भाग को कलर कर देना है। और ये देखिए मैंने दो भाग कलर कर दिया, अब एक क्या हुआ, दो बटा चार भाग कलर हो गया। क्यों? टोटल पार्ट नीचे दिया है, जितना आपको करना है ऊपर दिया है। अब आपके दिमाग में एक फिगर आने लगा होगा, अगर कोई बोले एक बटा दो, इसका मतलब आपके दिमाग में पिक्चर आ जानी चाहिए कि अगर एक मैंने गोला बनाया है, एक बटा दो कोई बोल रहा है, इसका मतलब इसका ये आधा भाग, समझ रहे ना, एक बटा दो का मतलब इसमें से मतलब जो है उसका आधा भाग, यानी कि जो दो भाग था उसमें से आधा, समझ रहे ना, एक बटा दो का मतलब यही हुआ, यानी कि दो पार्ट में से एक, दो में से एक, उसी को एक बटा दो बोलते हैं, या फिर आप सीधा सीधा आधा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आधा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई चीज है घर में, जैसे या फिर कहीं भी आपके पार्टनर है मान लेते हैं रूम में, इसे आप बहुत अच्छे समझेंगे, अक्सर लोग किराया के मकान में या कमरे में रहते हैं लेकर के, तो शहर में जब जाते हैं शुरू शुरू में, तो एक पार्टनर की जरूरत बहुत बड़ी होती है ना, जो साथ में हो, मतलब सब कुछ शेयर करें, यानी किराया, सब्जी, नॉन तेल, हल्दी मिर्चा, सब कुछ शेयर करें, और यहाँ तक कि अगर मकान मालिक से कोई लफड़ा हो जाए तो दूसरे जगह कमरा तलाशने के लिए भी चल दें, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से आप जान लीजिए कि एक बटा दो भाग यहाँ भी होता है, यानी कि हर चीज में आधा, इसमें मतलब पूरे में आधा। अब आप समझ गए क्या, एक बटा दो समझ गए, एक बटा तीन समझ गए, दो बटा चार समझ गए, अब आप सब कुछ समझ गए ना। तो इसी में एक एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं, देखिए अगर ये क्लास आप पूरा देख लेते हैं ना, तो हम जैसे अभी आपको शेर और बंदर वाली बात बताए थे, चीता गाय वाला ना, वैसे आपके दिमाग में मैथ की पिक्चर आने लगेगी। और हाँ, अगर मैथ की पिक्चर आपके दिमाग में आने लगी तो ये पूरा पक्का समझिए कि आपको मैथ आने लगी, क्योंकि माइंड में अगर कोई चीज़ आपने सोचा, एक एग्जांपल ऐसे देख लीजिए कि आपको अपने एक ऐसे मित्र के घर जाना है जिसका घर जो है वो बहुत दूर है, बड़ी अटपटी गली में है, मतलब बड़ा घुमावदार है। अब आपको कोई एक लेके जाता है, एक बार दिखा देता है, दोबारा बोलता है कि तुम वहाँ चले आना भाई, और फिर अगर कभी जाना हुआ तो अकेले चले जाना। अब देखिए आपके सामने प्रॉब्लम क्या आएगी, आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि दोबारा आप भूलेंगे, मतलब एक बीमारी होगी कि भूल जाएगी ना, लेकिन उसे आप याद कैसे करें। मान लेते हैं कि 10 जगह मुड़ा था, 20 जगह इधर गया, उधर गया, उधर गया, ऐसे ऐसे गली है, तो कैसे समझेंगे। आप ऐसे अनुमान लगाइए कि जैसे ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है। ध्यान से समझिए कि मैथ की बात बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे बीच में बकवास करते हैं, ये बकवास नहीं। आप मैथ अगर सीखना चाहते हैं तो रटी रटाई विद्या छोड़ दीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये आपका घर है ए, और ये आपके फ्रेंड का घर है बी, और ऐसे जाना है आपको, इधर गया, ऐसे गली है, इधर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे किसी भी तरह से घूम घाम के आपको यहाँ पहुँचना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ कैसे जा रहे हैं, ऐसे अक्सर होता है सारों में, मतलब आपको जाना भले यही है बट आपको बहुत घूम के आना पड़ेगा।
जगह नहीं डायरेक्ट जाने की, कैसे समझेंगे कि मतलब मैं कहाँ कहाँ गया था, कहाँ कहाँ मुड़ा था, हो सकता है यहाँ से और कहीं सड़क गई हो। देखिए कैसे समझेंगे, आपको एक कोई चीज निश्चित करना है कि मैं जब अपने घर से निकला तो इधर गया तो यहाँ पर एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा था, मतलब जो कि बहुत पुराना था भाई, नया देखेंगे हो सकता है अगले दिन चला गया हो तो आप पाएंगे नहीं ढूंढने, मतलब एक कुछ भी चीज़ ऐसा देखिए जो मतलब स्थिर रहने वाला है अक्सर, एक पुराना ट्रैक्टर पड़ा हुआ था वहाँ पर, ठीक। वहाँ से जो गली दाहिने साइड मुड़ी थी हमें उधर मुड़ना है, ठीक, आप इधर मुड़ गए, यहाँ पे आप आने आए, यहाँ पर यहाँ से इधर को भी मुड़ा है, इधर को भी मुड़ा है, अब इसको कैसे अनुमान लगाएंगे। वहाँ पे यार आप अनुमान लगा लीजिए कि वहाँ पर जो है जो मकान था वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का कुत्ता बंधा हुआ रहता था, है ना। अब हो सकता है किसी दिन ना बंधा हो, लेकिन आप जब उस गेट के पास पहुँचेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि हाँ यही, समझ रहे हैं। फिर आप वहाँ से दूसरे साइड मुड़े, दूसरे जगह आप जहाँ पर आप मुड़ रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा, चाहे कोई पेड़ हो, ऐसा कुछ भी चीज़ ऐसा हो जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं, चाहे कोई ऐसा मकान है जो खंडहर टाइप का था वहाँ पे साइड में, मतलब मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में फिगर आए जब आप जाने लगे तो आप बोलेंगे नहीं, समझ रहे ना। अगर आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे दिमाग में रखेंगे कि भाई मैं 10 तरफ मुड़ा था, इधर ही गया, उधर ही गया, उधर ही गया, अरे 8 मोड़ था, 10 मोड़ था, उसी में आप भूल जाएंगे कौन सा मोड़ था, पता चला जाना यहाँ है तो पहुँच जाएंगे यहाँ। ये होता है समझने का कॉन्सेप्ट, वैसे मैथ में भी होता है। तो जैसे मैथ में अगर आपके माइंड में फिगर नहीं बनता है, जैसे एक एग्जाम्पल आप और ले लीजिए, देखिए आप पढ़ाने से ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तो आप खुद पढ़ सकते हैं, बस आपको तरीका नहीं मालूम होता है। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पर आप वीडियो चलाते हैं, मैं सब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बताऊंगा जो आप सभी लोग समझते हैं, ये मैथ की बात हो रही है। यूट्यूब पर आप वीडियो चलाते हैं ना, उसमें देखते हैं कि वीडियो अगर चल रहा है कभी बीच में टच करके देखिए तो एक हल्का हल्का जहाँ पे वीडियो का प्ले होता, जैसे जितना जितना उतना रेड होता जाता है ना, होता जाता है ना, लेकिन रेड के अलावा हल्का हल्का थोड़ा आगे और हल्का वाइट रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा यानी कि लाइट वाइट में रहता है ना। वो क्यों रहता है, उसका मतलब ये हुआ कि वो वीडियो जो है बज तो यहाँ तक रहा है, मतलब यहाँ तक प्ले हो चुका है, बट यहाँ तक वो डाउनलोड हो चुका है। मतलब अगर आप अपना इंटरनेट बंद भी कर देते हैं, कभी ऐसा देखिएगा, अगर आपका इंटरनेट फास्ट चल रहा है, आप कोई वीडियो प्ले किए हैं, आपने अपना डेटा ऑफ भी कर दिया, फिर भी आपका वीडियो चलेगा, एक मिनट चाहे 30 सेकंड तक चलेगा, डेटा ऑफ करने के बाद भी चलेगा। क्यों चलता है ऐसा, आप कभी ट्राई करके देखिएगा, तुरंत देखिए, अभी देख सकते हैं आप, डेटा आप ऑफ करेंगे उसके बाद आपके नेट पे स्पीड पे डिपेंड करता है कि एक मिनट और चलता है या 10 सेकंड चलता है, 15 सेकंड, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर चलेगा डेटा ऑफ करने के बाद भी। क्यों चलता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आपका वीडियो तो चल रहा है लेकिन चलने के साथ साथ उसके आगे वो डाउनलोड करता जा रहा है, मतलब उसके एक मिनट या आधा मिनट आगे वो डाउनलोड एक्स्ट्रा में मतलब डाउनलोड करता जा रहा है, तब चल रहा है। उसी तरह से जब आप मैथ लगाते हैं तो जैसे मान लेते हैं ऐसे ये सवाल आपका दिया गया है, ये दिया गया है, तो आपने इसको किया ना कि पहले भाग करते हैं, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा है, पहले आपने भाग किया 4 आया, लेकिन आपका जो माइंड है वो उसके आगे लगाता चला गया होगा। अगर आपको आ रहा है सवाल तो नहीं आ रहा तो फिर नहीं लगा पाएगा आपका माइंड, फिर आपको आएगा भी नहीं। अगर आपको आ रहा है तो आपका माइंड आगे सोच लिया होगा कि भाई अब की बार भाग कर दिया हूँ, अगली लाइन में इसमें जोड़ करेंगे क्योंकि गुड़ा तो है नहीं। देखिए माइंड में आगे आएगा एक स्टेप, तभी आप हल करते जाएंगे, समझ रहे ना। अगर आपका माइंड जहाँ पर आप हैं उसके स्टेप के एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप हल नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसको भाग दे दिया, अब हमारे माइंड में आ रहा है कि अगले लाइन में हमें क्या करना है, जोड़ करना है। अब जोड़ करते समय हमारे माइंड में ये आगे एक स्टेप चल रहा है कि अब की बार घटाएंगे, समझ गए ना। ये तरीका होता है समझने का कि कमजोर जो है, मतलब कमजोर तो कोई नहीं होता, एक बात याद रखिएगा, हो सकता है आप मैथ में कमजोर हो, किसी और चीज में स्ट्रांग हो, तो कोई अपने से कमजोर नहीं होता है, कमजोर बनना पड़ता है। आप बार बार बोलेंगे मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आती, 4 लोग से बोलेंगे अबे हमें मैथ नहीं आती, अबे तुम्हें नहीं आती मत पढ़ो, रहने तो चलो छोड़ो, मतलब बहुत से टाइप के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको उत्साहित करेंगे, कुछ लोग कहेंगे अब नहीं आती तो क्या करो, जाने छोड़, है ना। तो भाई ज्ञान बांटने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आप किसी से भी ये बात ना शेयर करें, अपनी कमजोरी विशेषकर किसी को बताना नहीं चाहिए, बस समझना चाहिए कि क्या है, उसे दूर कैसे करें। अब देखिए इसका उत्तर आ गया है ना। तो कुछ लोग इसके बारे में टिप्पणी करते हैं कि हम बीच में जो है इधर उधर की बातें बोलते हैं, तो ये बोलना नहीं, हमारे समझ से ना अच्छा होता है इसलिए हम बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये सब बातें आपको कैसी लगी, और आगे देखिए हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में, भिन्न होता क्या है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन आखिर क्या होता है।
किसी पूर्ण वस्तु या वस्तु के समूह का हिस्सा होता है। भिन्न क्या होता है? किसी पूर्ण वस्तु या वस्तु के समूह का हिस्सा होता है। जैसे अगर कहा जाए, एक मैंने बना दिया सर्कल, अभी आप लोगों को दिखाया था ना, ये क्या है? एक पूर्ण वस्तु है, एक पूर्ण वस्तु है। इससे अच्छा तो आप सबसे अच्छा एग्जांपल जानेंगे किसमें, जो मैं अभी आपको बता रहा था, तरबूज, है ना? क्यों? क्योंकि इस समय तरबूज का टाइम है, ये सब आप कम समझेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने एक तरबूज लिया, ठीक, अब मानते हैं कि आपका एक दोस्त भी गया था, अब दोनों लोग मिल करके खरीद रहे हैं आधा आधा लगा करके, तो क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे ना, मतलब एक बटा दो भाग आप लेंगे और एक बटा दो भाग वो लेगा, और बिल्कुल सही भी होगा। कैसे? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, तरबूज एक है, एक बटा दो भाग आप लेंगे, एक बटा दो भाग वो लेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, जब एक बटा दो भाग लेंगे, इसका मतलब तो ज्यादा हो जा रहा है, तरबूज एक है ना, ज्यादा नहीं हो रहा है। देखिए कैसे, सिंपल सी बात है कि ये तरबूज तो एक था, एक बटा दो भाग आपने लिया, एक बटा दो भाग आपके फ्रेंड ने लिया। अब इसको आप जोड़िए, पहले एक आएगा, कैसे? हर हर बराबर है, तो ये इतना हो जाएगा, और वन वन टू इक्वल हो जाएगा, टू बटा टू यानी कि आएगा वन। देखिए वन आया ना, इसका मतलब आधा आपने लिया आधा उसने लिया, तो कुल मिला के एक हुआ, एक ही तरबूज तो था, यानी कि इसको आधा काट सकते हैं। इसे आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपने देखा कि भिन्न किसी पूर्ण वस्तु या वस्तु के समूह का हिस्सा होता है ना? समझ गए ना? मैंने इसको क्यों बताया? इसको इसलिए बताया कि भिन्न आपको समझ में आ जाए, रियल में भिन्न है क्या। आज की क्लास में हम केवल ये समझेंगे भिन्न होता क्या है, बस, बाकी और कुछ नहीं समझेंगे। इसके आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में, भिन्न को जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। आज आपको ये समझ लेना कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है, मतलब गणित को समझते कैसे, ठीक ना? जैसे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम रचते हैं, आप लोगों के मैसेज आते हैं, सर हमें बताते हैं, जो कि टॉपिक मेन ये है, सबसे हाई लेवल पे ये होता है, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, जिसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है भिन्न की, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो वो आता ही नहीं। तो और क्या है ये परिमेय संख्या, ये आपके ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहे हैं, और दशमलव का सवाल, चाहे जो भी सवाल हो, और एक आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला टॉपिक है जो आता है बार बार क्वेश्चन के रूप में, वो है एलसीएम और एचसीएम। देखिए अगर पढ़ना है तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सीखना है तो हम मानते हैं आप लोगों के विश्वास और प्यार के साथ मैं बोल सकता हूं कि सीखना है तो आप पीवीआर स्टडी पे आए, क्योंकि यहां पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है, और आप लोगों को अनुभव भी होता होगा, और आप लोगों के इसी अनुभव का परिणाम है जो आप देख रहे हैं कि आज 70,000 आप लोगों की संख्या हो चुकी है ना। तो मैं बात क्या कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था भिन्न होता क्या है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल आपको और दिखाते हैं, भिन्न है क्या। आज के बारे में हम इसी के बारे में बात करेंगे, बस भिन्न है क्या, बाकी और कुछ नहीं। आइए समझते हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका माइंड केवल पिक्चर के रूप में सोचता है, बाकी कल्पना नहीं कर पाता। वैसे जैसे आप एक बार और समझिए, जो मैं बातें बता रहा हूं उसे आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, तुरंत सही होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो तुरंत लाइक करें इस क्लास को, बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को दिखाइएगा जिनको लगता है कि भाई मैथ बहुत कठिन है, उनको जरूर भेजिएगा इस वीडियो को, यह हमारी आपसे विशेष रिक्वेस्ट होगी। देखिए जैसे आपने सोचा अपने नानी के घर के बारे में, भाई हम भी नानी के घर जाते थे, अभी भी कभी कभी जाते हैं, बहुत प्यार मिलता था बचपन में वहाँ पे, अभी भी मिलता है फिलहाल। तो आपने देखा होगा अभी जुलाई में हमारे नाना जी का देहांत हो गया था, हम गए हुए थे, जब मैंने बाल छिलाया हुआ था उस समय एक भिन्न का क्लास लिया था वहाँ से आने के बाद, जिसको इस समय लगभग 7 लाख लोगों ने देखा है ना, आप देख सकते हैं सबसे पॉपुलर टॉपिक है। तो मैं बात क्यों किया नानी के घर की, इसलिए किया कि आप कल्पना करिए जहाँ भी हैं, कहीं आप प्रयागराज में, दिल्ली में है, मुंबई में है, कहीं भी हैं आप, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक, वहाँ से भी आप, आपके नानी का घर कहीं भी हो, कल्पना करिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में नानी की वो बूढ़ी तस्वीर आएगी, आपके माइंड में, आपके माइंड में ये आएगा कि आपके नानी का घर जो है, मतलब वहाँ पर गेट किधर साइड को है, क्या है, कैसे है, वहाँ जाते हैं तो कहाँ बैठते हैं, कमरे क्या है, मतलब क्या क्या वहाँ पे है, कहाँ हम लोग खेलते थे, या मतलब क्या वहाँ मिलता था, आपके माइंड में ये सब आ जाता होगा तुरंत फट से। चाहे आप, हो सकता है इस समय 20, 22, 28 के एज में ही हों, लेकिन आपके बचपन के वो सभी याद आ जाएंगे अगर आप लोग जाते थे तो।
क्यों? क्योंकि आपने सोचा, आपके दिमाग में सभी पिक्चर आ गई और आपको याद है, ठीक ना, इस वजह से। लेकिन अगर आपने सोचा क्या त्रिकोणमिति के सवाल, अब आपके माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा त्रिकोणमिति होता क्या है आपका, क्योंकि पहले से उससे परिचय है ही नहीं, तो आप कैसे समझेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। लेकिन अगर आपने त्रिकोणमिति सोचा और आपके माइंड में आ गए ये महान धुरंधर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो क्या होगा, आप इसमें बहुत कुछ समझ जाएंगे, है ना, कि त्रिकोणमिति में साइन कॉस होता है, टेन कॉस कॉस ये सब होता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी टॉपिक लेना है उसे समझना है, उसे समझना है कि आखिर वो होता क्या है। जैसे कोई भी, मैंने आपको बताया कि आप टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो उसका जो फिगर है वो आपके माइंड में आगे बनता जाए, आपके लिखने के एक स्टेप आगे बनता जाए खुद ब खुद ऑटोमेटिक, तब आप सवाल कर जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम आपको और दिखाएं, देखिए मैंने जैसे कि लिखा कि 2/7 5/3 और 1/8, इसमें कौन सबसे बड़ा है। अब इसमें कौन सबसे बड़ा है, अगर आपको इसका हल करने का तरीका आता है, ब्रश हो जाता है, तो आपके माइंड में फिगर बन गया होगा कि हाँ भाई कैसे कैसे करते हैं, पहले इसके हरों को बराबर करेंगे क्योंकि हर अलग अलग है, उसके बाद जो भिन्न बनेगी नई उसमें हम कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, और जिसका मान बड़ा होगा उसका भिन्न ला के रख देंगे, उत्तर हो गया। अगर आपको आता है तो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप सोचेंगे इसमें करना क्या है। अगर आपको आता है तो आप सोचेंगे इसको क्यों करें, मतलब क्यों करें, मतलब कोई पूछ रहा है इसलिए करेंगे, या मुझे मिला हुआ इसलिए करेंगे, या हमारे एग्जाम में आएगा इसलिए करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप ये सब नहीं सोचेंगे, आप ये सब सोचेंगे आखिर इसमें करना क्या है, ठीक। तो देखिए इसमें करते क्या है, इस तरह के सवालों में कौन बड़ा है भिन्न में, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम आपको एक दूसरा सवाल दें, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2/7 1/7 8/7, अब मैं बोलूँ इसमें कौन बड़ा है तो आप बता ले जाएंगे, क्यों हो सकता है ना आए आपको, लेकिन लगभग लोग बता ले जाएंगे क्योंकि इसका नीचे का पार्ट सब बराबर है, मतलब हर जो है वो बराबर है। कहने का मतलब ये है 2 रुपये में 7 लोग को बांटना है, 1 रुपये में 7 लोग को बांटना है, 8 रुपये में 7 लोग को बांटना है। अब ये बताइए सभी में साथ ही 7 लोग को बांटना है तो सिंपल सी बात है सामग्री जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, यानी ये सबसे बड़ा है ना। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बराबर हो तब भी समझ पाएंगे, अंश भी बराबर हो तब भी आप समझ सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा ये 8/3 1/3 और ये 9/3, काटिएगा मत उसको, इसको समझिए, इसका मतलब ये हुआ, बट ये भी तो नीचे बराबर हो गया ना, ऊपर बराबर करना है भाई, रुकिएगा एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि अगर हर नहीं अंश बराबर हो तो ये देखिए इसमें कौन बड़ा है कैसे जानेंगे, सिंपल सी बात है। इसमें ये देखिए आप कि ये 4 रुपया था जिसमें 13 लोग 9 लोग को देना था, रुपया मान लेते हैं या कुछ भी लड्डू मान लीजिए, चलिए 4 लड्डू है उसमें 9 लोग को देना है, इसमें 4 लड्डू है जिसमें 12 लोग को देना है, इसमें 4 ही लड्डू में 3 लोग को देना है। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि किसमें सबसे ज़्यादा लड्डू मिलेगा भाई, है तो 4 ही लेकिन 3 मंडली है, 1 में 4 में 9 लोग को बटेगा, 1 में 4 को 3 12 लोग को बटेगा और 1 में 4 में 3 लोग को बटेगा, आप किसमें बैठेंगे, ए बी सी जल्दी बताइए किसमें रहेंगे आप, इसमें ना, क्योंकि इसमें 4 में 3 लोग को मिल रहा है यानी 1 से थोड़े कम होगा बस, और इसमें जो 4 में 12 लोग को मिलेगा ना, इसमें 1 लड्डू में 3 लोग को मिलेगा, समझ रहे ना, और इसमें 1 लड्डू लगभग 1 लोग को मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम होगा बस। अब आप ये समझ गए होंगे इनमें कौन बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें होती है कि ये सब तो अलग अलग है, ऊपर भी अलग है नीचे भी अलग है, अब इसमें कौन बड़ा है कैसे समझेंगे। देखिए आज जो हमारा क्लास है ये किसी टॉपिक पे नहीं हो रही, एक बात याद रखिएगा, सभी के लिए है, सभी टॉपिक पर है। इसमें कौन बड़ा है, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 3 21 और 21 8 कितना होगा, 8 कम 8 8 2 16 168। अब आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा लासा कैसे किया तो कमेंट करिएगा, 168 होगा है ना।
सात से जब आप भाग करेंगे 168 में तो कितना आएगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, इसको छोड़ के इन दोनों गुणा कर लीजिए उतना आएगा, 8 3 24 कितना आएगा? 24 आएगा, 7 9 14 7 6 28 हाँ 24 आएगा, 24 का 2 में गुणा करेंगे 24 2 48 तीन से जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा जान रहे हैं? 168 में तीन को छोड़ के इसका गुणा कर लीजिए 56 आएगा, 56 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 6 30 हाँ फिर आया 3 5 25 3 28 ये हो गया 280। अब इसका असात्र के कैसे हो गया कैसे? अब आप खुद अनुमान लगा दीजिए कि 48/168 हो गया, 280/168 हो गया, 21/168 हो गया। मैं अलग अलग लिख देता हूँ, बिल्कुल हैरान मत होइएगा। ये देखिए अब आप बताइए इन सब में से कौन है, इन सब में से कौन है जो सबसे ज्यादा होगा? देखिए नीचे सबका बराबर हो गया पार्ट 168। अब सिंपल सी बात है, 48 रुपया मान लीजिए या लड्डू मिठाई कुछ भी मान लीजिए, 48 में 168 को, 280 में 168 को और 21 में 168 को। सिंपल सी बात है, 280 सबसे ज्यादा है ना, इसमें सबसे ज्यादा ज्यादा मिलेगा, यानी कि 5/3 जो है इसमें से सबसे बड़ा होगा। समझ गए ना, ये छोटा बड़ा भिन्न की बात है। लेकिन आज हमने बात किया कि आखिर सवाल को करते कैसे, समझते कैसे, है ना? समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो ये था आपका कमजोर छात्र गणित कैसे सीखें का पहला भाग। हम आपको इसमें 2-3 पार्ट दिखाएंगे कि अगर आप वास्तव में मैथ में कमजोर है तो आप सीखेंगे कैसे, क्योंकि ये क्लास नहीं हो रही आपकी पढ़ाई वाली, ये आपकी सिखाने वाली क्लास हो रही है जिसमें आप ये सीख रहे हैं कि आप सीखें कैसे। जी बिल्कुल। और हाँ, ये क्लास हम कोशिश करेंगे, सर से बात करेंगे कि ये सभी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाए, जैसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आप इसे बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। ये सेशन होगा आपका कमजोर छात्र गणित कैसे सीखें, हाउ टू लर्न मैथ वीक स्टूडेंट। अगर आपको भी नहीं आता है तो आप भी बिल्कुल मैथ सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो आप अवश्य ज्वाइन कर लें, नंबरों पे कांटेक्ट करें 9793488448 या विजिट करें आपकी अपनी वेबसाइट pbrstudy.com और निसंकोच आप सीखें मैथ एक अच्छे तरीके से, एक मजेदार तरीके से। मैथ बहुत आसान है, सिंपल सी बात है, आप जब से जन्म लेते हैं और जब तक रहते हैं मैथ में ही जीते हैं। जब आप पैदा होते हैं उस समय आप देखते होंगे जन्म प्रमाण पत्र बनता है, इस टाइम उसमें नोट किया जाता है कितना बजकर कितना मिनट पर आप पैदा हुए, किस डेट में पैदा हुए, ये सब मैथ में ही तो काउंट होता है ना, तारीख वगैरह, है ना? और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ भी कुछ भी लिखेंगे मैथ में ही तो लिखेंगे। किसी की डेथ होती है उसका आप जानते हैं, आजकल मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, उसकी भी लोग लिख कर रखते हैं, कोई भी हो हमारे घर में आपके घर में लोग हिसाब किताब रखते हैं, है ना? तो बस इतना मान लीजिए कि मैथ ही तो है सब कुछ। रोज आप सो के उठते हैं, हर दिन ये देखते हैं कितना बजा, कितना बज के कितना मिनट पे उठा हूँ, आज तो बहुत देर हो गया उठने में, सबसे पहले घड़ी देखते हैं, ये सब मैथ ही तो है। तो आखिर जब हर जगह हर कदम कदम पर मैथ है तो फिर मैथ से डरना क्या, भागना क्यों? ये था आज का कमजोर छात्र मैथ कैसे सीखें का पहला सेशन। इसके बाद हम इसी तरह से आपको 2-4 सेशन और भी दिखाएंगे जिसमें सब कुछ क्लियर कर देंगे कि आप मैथ कैसे सीखें रियल में। इन्हीं बातों के साथ मैं राजकुमार रघुवंशी फिर से मिलता हूँ आपकी एक और नई उम्मीद की एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका पीबीआर स्टडी देखते रहें और लाइक करना ना भूलिएगा, ये आपका अपना कर्तव्य बनता है। और हाँ, जिन लोगों के दिल में काफी सुलझे अनसुलझे जवाब और सवाल हैं वो लोग बिल्कुल हमें बता सकते हैं, लेकिन हाँ वो दिल में जो सवाल और जवाब है ना वो केवल मैथ से रिलेटेड होने चाहिए, बाकी तो और बहुत से सवाल जवाब होंगे जिन्हें आप शेयर ना करें, ठीक है? तो ये नंबर नोट कर लें 4383299 और ये 3399, इन नंबरों पे आप कॉल मिस कॉल करके आप कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे मैसेज ज़्यादा करें और कॉल कम करें, ठीक है ना? इसके अलावा विजिट कर सकते हैं pbrstudy.com एंड ईमेल करें pbrstudy@gmail.com। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करके जाइएगा। इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं पर करते हैं खत्म, फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के लिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।